चंदन क्यारी के शहीद चौक स्थित टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिगारी के शहादत दिवस के मौके पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्य पड़कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि विनोद गुराई ने कहा कि क्षेत्र में महापुरुषों की आदमकद प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित करने का मामला लगातार सामने आ रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार के हो रहे कुत्सित प्रयास से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पुलिस को इस मसले पर पैनी नजर बनाए रखते हुए स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीदों की प्रतिमा को खंडित करने के मामले पर अंकुश लगाना चाहिए, ताकि सामाजिक सौहार्द बने रहे। आपको बता दें कि बीते 2 जनवरी को शहीद टिकैत उमराव सिंह की आदमकद प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था। हालांकि पुलिस द्वारा घटना की तेजीयता से अनुसंधान कर आरोपियों को धर दबोच जेल भेजा गया, जिससे क्षेत्र में व्याप्त तनावपूर्ण स्थिति सामान्य हुई। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य उत्तम दास, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष फटीक दास, सांसद प्रतिनिधि नारायण साहब, चंदन कियारी, विधायक अनुज प्रताप बावरी, विमल पाल, दुर्गा दे, सुकोमल पाल, मिहिर बावरी, हीरू अंसारी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। चंदन कियारी से मुकेश कुमार महता की रिपोर्ट। शहादत दिवस है और इसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हम लोगों ने मिलकर इस विशाल काय मूर्ति पर माल्यार्पण किया और शहादत दिवस पर संकल्प लिया कि इस क्षेत्र में जो काम अधूरे हैं हमारे माननीय विधायक श्री अमर कुमार बावरी जी ने पूरे करने का काम करेंगे और इस क्षेत्र का विकास सर्वांगीण रूप से करने का प्रयास करेंगे। आज कितना बार शहादत दिवस मनाया जा रहा है? 15वां शहादत दिवस चंदन क्यारी में मनाया जा रहा है और इस क्षेत्र में 15 वर्ष हम लोग मना रहे हैं और इस स्टेचू का स्थापना 15 वर्ष पूर्व हुआ था और उसको हम लोगों ने लगातार इसका माल्यार्पण करके इस शहादत दिवस को थाना प्रभारी को बधाई दी थे। और हमारे यहाँ के इनके तलवार चोरी हो गया था, जो थाना प्रभारी हमारे चंदन कैरी के, इन्होंने बहुत ही प्रयास से और केवल 24 घंटा में यह तलवार को वापस पुनः ले आया और चोर को आरोपी को थाना या जेल भेजने का काम किया है। इसके लिए हमारे थाना प्रभारी बधाई के पात्र हैं। शहादत दिवस मनाने के लिए हम लोग चंदन क्यारी चौराहे पर शहीद चौक पर उन्हें याद करने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। आज हम सभी दिल से स्वतंत्रता सेनानी टिकैत उमराव सिंह का श्रद्धांजलि अर्पित किया और साथ में उन्होंने अपने जीवन में इस मिट्टी के लिए जो अपनी त्याग और बलिदान दिया, हम उन्हें आज याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि जो हमारी भूभाग है, हमारा जो मिट्टी है, इस मिट्टी पर यहाँ के नौजवान उनसे उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प ले और चंदन क्यारी में आज लगातार 15 साल से इस कमेटी ने शहादत दिवस का आयोजन किया है। हम कमेटी के सभी मेंबर को हृदय से बधाई देते हैं और आज के इस दिवस पर हमारी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार है, उस पर हम 2 बातें कहना चाहते हैं। आज झारखंड में नकली जो हेमंत सरकार ने नियोजन नीति बनाया था, वो नियोजन नीति कोई काम का नहीं है। आज गांव में हजार हजार लोग बेरोजगार है, बेरोजगार आज मायूस है। उनकी नीति पर सरकार ने जो नीति बनाया वो ठगने के लिए बनाया, वो यहाँ के युवाओं को बर्बाद करने के लिए बनाया। हम राज्य सरकार का जो काम है, उन्होंने 32 के लिए आज डंका पीट कर पूरे झारखंड में भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने बता रहे हैं हेमंत जी ने कि हम खतियान दिवस के रूप में वो पूरे राज्य में घूम घूम कर कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात है
कि 32 पर आज कुछ नहीं हो रहा है। 32 के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आईवास किया है। हेमंत सरकार ने झारखंड के लोगों को धोखा देने का काम किया है। ठीक है, धन्यवाद। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग, लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।